हेलो दोस्तों, हमारी पांगी सीरीज के फोर्थ पार्ट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पठानकोट से चंबा होते हुए हम यहाँ पांगी घाटी के किलाड़ में पहुँचे हैं और पिछले कल यहाँ के एक गांव हुड़ान भटोरी गए थे। आज इस वीडियो में हम आपको पांगी घाटी के ही एक और गांव सुराल भटोरी लेकर जाएंगे। सुराल घाटी इस तरफ हिमाचल प्रदेश की आखिरी घाटी है और उसके आगे जम्मू कश्मीर सीमा शुरू हो जाती है। यहाँ पांगी घाटी में वैसे तो हर तरफ सुंदर पहाड़ ही दिखाई देते हैं, मगर सुराल में आपको इससे भी अच्छे व्यूज़ मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये फोर्थ पार्ट। आज किलाड़ पांगी में मेरा तीसरा दिन है। आज पूरी पांगी घाटी में बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। किलाड़ से सुराल के लिए सुबह 7 बजे एक HRTC बस जाती है और मैं उसी में सुराल जाऊंगा। किलाड़ से सुराल की दूरी 35 किलोमीटर है और बस में एक तरफ का किराया 80 रुपये है। ठीक 7 बजे हमारी बस यहाँ किलाड़ से सुराल के लिए निकल पड़ी। हमारी बस के पीछे ये किलाड़ से मनाली कुल्लू जाने वाली बस भी निकल रही है। ये बस वैसे किलाड़ से कुल्लू तक ही जाती है, मगर इसे आगे धर्मशाला वाली बस के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो आप इसमें मनाली होते हुए धर्मशाला भी जा सकते हैं। मैं भी यहाँ से वापस इसी बस में मनाली तक जाऊँगा। अब हम तांदी किश्तवाड़ रोड पर पहुंच गए हैं और ये रोड बिल्कुल कच्चा है। ये जो नीचे की तरफ पक्का रोड है, ये चंबा जाने वाला रोड है और आगे चिनाब नदी के पुल तक ही पक्का है। हमें यहाँ से ऊपर वाले रोड पर सीधे आगे जाना है और सुराल यहाँ से करीब 30-35 किलोमीटर दूर है और इसमें 2 घंटे का टाइम लग जाता है। नीचे नदी के उस पार साच पास वाला रोड दिखाई दे रहा है और इस तंग सी घाटी से होकर आगे 4500 मीटर्स की हाइट पर है साच पास टॉप। आज पांगी एकदम बादलों से घिरा हुआ है। लोअर एंड मिड हिमाचल में तो इस वक्त मॉनसून अपने चरम पर है, पर यहाँ पीर पंजाल रेंज के इस तरफ बारिश कंपेरेटिवली कम ही होती है। हमारी बस इस कच्ची सी सड़क से होती हुई आगे बढ़ रही है और अभी हम तांदी किश्तवाड़ रोड पर ही हैं और ये सड़क दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक है। और ये वीडियोस देखकर आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि क्यों ये रोड सबसे खतरनाक है। इस सड़क को BRO भी अपनी सबसे खतरनाक सड़कों में काउंट करता है। हालांकि क्लिफहैंगर पॉइंट, जो कि आगे किश्तवाड़ जाते हुए आता है, इससे भी कहीं खतरनाक है, मगर वहां केवल छोटी गाड़ियां ही जा सकती हैं, तो बस योग्य सड़क में यही पॉइंट सबसे खतरनाक है। क्लिफहैंगर पॉइंट को अब BRO द्वारा बाईपास किया जा रहा है और उसके ऊपर के पहाड़ से होते हुए एक नई सड़क बनाई जा रही है ताकि ये सड़क बड़े वाहनों के लिए भी बन सके। यहाँ नीचे चिनाब नदी इतनी गहराई पर है कि एक छोटे नाले जैसी दिखाई देती है और अगर यहाँ से कोई लुढ़क गया तो सीधा नदी में ही समाएगा। मुझे चंबा से किलाड़ आते हुए तो ज़्यादा डर नहीं लगा था, मगर यहाँ आकर मैं थोड़ा घबरा ज़रूर गया। यहाँ बस की स्पीड भी एकदम स्लो ही रहती है। करीब 500 मीटर्स के इस स्ट्रेच को पार करके हम अब आगे बढ़ गए और अब सामने कुछ घर भी दिखाई देने लगे हैं। ये धरवास गांव है। हल्की बारिश लगातार जारी है और ये है सुराल से आता हुआ नाला और इस पुल को पार करके हमें आगे इसी घाटी में जाना है।
यहाँ ये आ गया डाइवर्जन पॉइंट और सामने वाला रोड आगे किश्तवाड़ डोडा की तरफ जाता है, जबकि हमें यहाँ से राइट की ओर चढ़ाई चढ़नी है और अब पक्का रोड भी आ गया है। इधर ये चिनाब नदी घाटी तो बादलों में ढक सी गई है और इन उमड़ते हुए बादलों के बीच ये ट्रैवल बहुत अच्छा लग रहा है। ये धरवास का हेलीपैड है, यहाँ मेन गांव में या फिर आसपास कई हेलीपैड बनाए हुए हैं, वो इसीलिए क्योंकि जब सर्दियों में यहाँ बर्फ़ गिर जाती है तब सारे रोड्स बंद हो जाते हैं और उस वक्त केवल हेलीकॉप्टर ही यहाँ से बाहर निकलने का एकमात्र साधन होता है। सामने जो घर दिखाई दे रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश के इस तरफ आखिरी घर हैं, इसके आगे संसारी नाला आ जाता है और वहाँ से जम्मू कश्मीर सीमा शुरू हो जाती है। ये आगे से सुराल से किलाड़ जाने वाली बस आ गई और ये वही बस है जिसमें मैं चंबा से किलाड़ तक आया था और ड्राइवर भी नवल किशोर भाई ही हैं। धरवास एक छोटा सा गांव है, वैसे यहाँ के सब गांव छोटे छोटे ही हैं, मतलब ज़्यादा आबादी नहीं है। और अब कच्चा रोड भी शुरू हो गया है, पक्का रोड नीचे किश्तवाड़ मेन रोड से धरवास तक ही था जो कि 4-5 किलोमीटर का स्ट्रेच है और अब इसके आगे फिर से कच्चा रोड है। किलाड़ से सुराल रूट पर HRTC की 3 डेली बसेस चलती हैं। पहली बस ये है जिसमें मैं अभी आया हूँ और ये बस सुबह 7 बजे चलती है, दूसरी बस दोपहर 12 बजे किलाड़ से चलती है और आखिरी बस शाम 5:15 बजे। शाम को आने वाली बस यहाँ सुराल में ही रात को रुकती है और सुबह वापस जाती है, जो कि हमें रास्ते में जाते हुए भी मिली थी। अभी हम थोड़ा और ऊंचाई पर आ गए हैं और यहाँ तो बस कुदरत के इन सुंदर नज़ारों को देखकर बंदा वैसे ही बाकी सब कुछ भूल जाता है। यहाँ की सड़कें देखकर मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा है यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती, वरना तो ये सड़क चलने लायक नहीं रहेगी। अब तक तो हम बस आगे आगे बढ़ रहे थे, मगर यहाँ ये एक मोड़ आया और इसके बाद दिखाई देने लगा सुराल। पहाड़ों पर तो बादलों ने डेरा जमा रखा है जो कि इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। अगर यहाँ बादल ना भी हो तब भी ये खूबसूरती ऐसी ही दिखाई देगी, क्योंकि बादलों ने बर्फ़ से ढकी वो चोटियाँ अभी छुपा रखी हैं। बीच में यहाँ कई नाले हैं जिन पर कोई पुल नहीं है और बस को पानी में से होकर निकलना पड़ता है। बस तो यहाँ से आराम से निकल जाती है, मगर छोटी गाड़ियों के लिए थोड़ी परेशानी ज़रूर आ सकती है। किलाड़ से धरवास होते हुए करीब 2 घंटों में बस यहाँ सुराल पहुँच जाती है। ये हैं लोगों के खेत और जैसा कि हम पिछले उड़ान वाले पार्ट में भी देख चुके हैं
कि यहाँ अभी मैक्सिमम खेतों में मटर ही उगा हुआ है। तो 7 बजे किलाड़ से चलकर 8:45 बजे मैं पहुँच गया हूँ सुराल। ये 7 बजे वाली बस यहाँ लोअर सुराल तक ही आती है, जबकि इसके आगे और 4-5 किलोमीटर्स तक सड़क है और सुराल भटोरी यानी अपर सुराल आगे जाकर है। दोपहर और शाम को आने वाली बसेस वहाँ सुराल भटोरी तक जाकर आती हैं। तो मैं यहाँ पर उतर गया और बस यहाँ से वापस मुड़ जाएगी और मैं आगे पैदल ही जाऊँगा। ये गांव की कोई महिला बीमार है और इन्हें बस में ही किलाड़ हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है। सुराल से मिस्टर सत्यपाल जी, तो सर बताइए यहाँ के बारे में, कैसी जिंदगी है यहाँ की? यहाँ की क्या जिंदगी है सर, देखो अभी एक लेडीज, हाँ जी हाँ देखा, अभी बस में चढ़ाए हैं। आपने तो देखा, हाँ जी हाँ। तो इसलिए मतलब यहाँ का एम्बुलेंस सिस्टम है, हाँ जी यहाँ सिस्टम है, कुछ भी सिस्टम नहीं है, बस वाले बेचारे क्या करेंगे। हाँ जी हाँ, बस में तो दिक्कत हो जाती है मरीजों के लिए, मरीज को, हाँ जी। तो इसलिए मतलब यहाँ को अभी फोन किया थी उन्होंने, हाँ जी 108 पे किया आपने फोन, हाँ उस पे 108 पे, तो क्या सर क्या बोला उन्होंने? उन्होंने सुविधा उपलब्ध नहीं है सर, अब आप ही देखो ना क्या करेंगे हम लोग यहाँ इलाका। अभी तो खैर सितंबर अक्टूबर के बाद तो हमारे पास बर्फ पड़ जाती है, हाँ जी। तब भी हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, हमारे को अपने घर के यहीं के, अगर मर जाता मरने दो, अगर जिंदा रहता है तो वो ऊपर वाले की मर्जी है, परेशानी तो देखिए बहुत है। ये दूर दराज के पहाड़ जितने खूबसूरत हैं, वहीं यहाँ की जिंदगी उतनी ही मुश्किल है। HRTC की इन लोगों के जीवन में कितनी अहमियत है ये तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर एम्बुलेंस का काम भी ये बसेस ही करती हैं। यहाँ बारिश हो रही है और मेरे पास छाता भी नहीं है, तो बस में जा रहे सत्य प्रकाश जी ने कहा था कि यहाँ आगे ही मेरा घर है तो आप वहाँ से छाता ले लेना, तो मैं उनके घर से छाता ले आया हूँ। और अब मैं चल पड़ा हूँ आगे सुराल भटोरी की ओर। बस के ड्राइवर ने मुझे बताया था कि दोपहर को जो बस 12 बजे किलाड़ से चलकर आएगी वो आगे सुराल भटोरी तक जाएगी, तो आप वापसी में वहीं से उसमें चढ़ जाना और दोपहर को भी वही बस लेकर यहाँ आएंगे। रिमझिम सी बरसती इस बारिश में मैं हूँ सुराल की वादी में। यहाँ इस सड़क से होते हुए मुझे थोड़ा और आगे तक जाना है और फिर वहाँ से एक पगडंडी से होते हुए आगे एक झरने तक जाऊँगा। मुझे वैसे आगे का रास्ता तो पता नहीं है, लेकिन मुझे जैसा ड्राइवर भाई ने थोड़ा गाइड किया था तो अभी तक तो मैं सही ही जा रहा हूँ। यहाँ पर इंटरनेट तो है ही नहीं, तो आप मैप्स का सहारा भी नहीं ले सकते। यहाँ सिर्फ BSNL चलता है पर उसमें इंटरनेट नहीं चलता। यहाँ सड़क किनारे डंगा लगाने का काम भी चला हुआ है। करीब 30-35 मिनट पैदल चलकर मैं यहाँ इस टर्न पर पहुँचा हूँ और ये ऊपर वाला रास्ता गांव सुराल भटोरी की तरफ जाता है जो कि यहाँ ऊपर ही है।
लेकिन मुझे झरने के लिए यहाँ से पगडंडी के रास्ते से होते हुए जाना है। मैं बिना टाइम गवाए यहाँ से आगे चल पड़ा। अभी 10 बज गए हैं और दोपहर को जो बस यहाँ आएगी वो 2 बजे यहाँ से वापस जाएगी, तो मेरे पास यहाँ बिताने के लिए 4 घंटे हैं। बारिश हो रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी झरने तक जा आऊँ, क्योंकि अगर बारिश तेज़ हो गई तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर नाले उफान पर आ गए तो मैं कहीं वहीं ना फंस जाऊँ। यहाँ का लैंडस्केप इतना अच्छा है कि मन कर रहा है कि चलते ही जाओ। यहाँ सब कुछ हरा भरा सा है, खेतों में मटर, आलू और जौ की फसलें उगी हुई हैं। यहाँ खेती बस इन्हीं मंथ्स में होती है। सर्दियों के मौसम में तो यहाँ सब बंद हो जाता है, तो अपनी फसलों की पैदावार को भी यहाँ से वक्त रहते बाहर निकालना होता है। मुझे इस पगडंडी पर चले हुए करीब आधा घंटा हो गया है और जहाँ तक मुझे लग रहा है मैं सही ही जा रहा हूँ। वैसे आगे से एक अंकल जी आ रहे हैं तो उनसे कंफर्म कर लेता हूँ। नमस्ते अंकल जी, झरने के लिए ये रास्ता जाता है जी? हाँ, ये भी है जी। अच्छा, हाँ जी हाँ, अच्छा ठीक है जी, ठीक है जी, धन्यवाद। जितना आगे जाते जाओ आपको कुछ ना कुछ नया दिखाई देने लगेगा और व्यूज़ तो और भी खूबसूरत हो गए हैं। मेरा मन तो सच में इतना खुश हो गया है और ऐसा लग रहा है मानो इस इतनी बड़ी सी घाटी में सिर्फ मैं ही हूँ, पर मैं बराबर इधर उधर भी देख रहा हूँ कि कहीं कोई भालू ना आ जाए। सामने नदी के उस पार कुछ घर बने हुए हैं और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये टेम्प्रेरी शेल्टर्स ही हैं। नदी पर एक छोटा सा पुल भी बना हुआ है और वहाँ तक जाने का यही एक रास्ता है। मैं सोच तो रहा था कि वहाँ गांव तक जाकर आऊँ, लेकिन मुझे वहाँ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। यहाँ के कुत्ते भी एकदम मोटे मोटे से होते हैं, तो मैं बस नदी पर बने इस पुल तक जाकर आता हूँ। दूर से तो पानी थोड़ा ही लग रहा था, मगर यहाँ करीब आने पर लग रहा है कि पानी बहुत ज़्यादा और तेज़ है। और यहाँ ये गाय नदी के पास बारिश में बंधी हुई है। हालांकि मुझे पता नहीं चला कि ये गाय है या याक, पर बेचारी यहाँ परेशान सी खड़ी है। और इसके साथ ही मैं इस पुल पर पहुंच गया। यहाँ इस छोटी सी नदी का पानी एकदम तेज़ बहाव में बह रहा है। ये नदी पर बना पुल भी ऐसा है कि इस पर जाने की मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही। बड़े बड़े लकड़ी के स्लीपर्स को आर पार डाला है और उस पर लकड़ी के फट्टे जोड़ दिए हैं और नीचे पानी का बहाव इतना तेज़ है कि देखकर ही चक्कर आ रहे हैं। और अगर मेरा कोई कैमरा यहाँ से नीचे गिर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आसपास यहाँ है भी कोई नहीं, तो मैंने यहाँ से वापस झरने की ओर जाने में ही भलाई समझी। यहाँ इस तरफ जो पत्थर जैसे दिखाई दे रहे हैं ये लोगों ने अपने पशुओं के लिए घर बनाए हुए हैं। अपने पशुओं को ठंड से बचाने के लिए लोग यहाँ उन्हें इन गुफानुमा घरों में बंद कर देते हैं। और इससे थोड़ा ही आगे जाने पर दिखाई पड़ गया ये झरना। यहाँ आसपास के नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि मुझे शब्द नहीं मिल रहे कि कैसे बयां करूं।
सामने आगे की तरफ भी एक ट्रैक जाता है, लेकिन ऐसे मौसम में आगे जाना सही नहीं है। तो मैं फ़िलहाल चलता हूँ इस झरने के पास। ये झरना काफ़ी ऊपर से गिर रहा है और टूरिज़्म के लिहाज से इस घाटी का सबसे खास पॉइंट है। नीचे से लगातार उड़ उड़ कर बादल आ रहे हैं और मुझे यही डर है कि कहीं तेज़ बारिश ना हो जाए। सामने जंगल भी हैं तो यहाँ जंगली जानवरों का भी डर रहता है। अभी वैसे 11 ही बजे हैं, लेकिन इस मौसम की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो गई हो। अभी मैं झरने के काफ़ी करीब पहुंच गया हूं और इस झरने के ऊपर भी काफ़ी ऊंचा पहाड़ है और वहीं से ये पानी आ रहा है और आगे जाकर ये नदी में मिल जाता है। ये झरना इतनी ऊपर से बह रहा है कि हवा से इसका पानी उड़कर दूर तक बौछार कर रहा है। ये जगह वाकई में बहुत ही सुंदर है। यहाँ सुराल से ट्रैक करके आप हुडान, जांस्कर या फिर जम्मू कश्मीर की तरफ भी जा सकते हैं। अधिकतर लोकल लोग ही इन रास्तों का प्रयोग करते हैं और कभी आप इस तरफ कोई हाइकिंग करना चाहो तो गाइड ले जाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ करीब आधा घंटा बिताने के बाद मैं वापस सुराल भटोरी की ओर चल पड़ा। यहाँ झरने से एक कुहल गांव की तरफ जाती है तो मैं उसी रास्ते से होता हुआ गांव की ओर चल पड़ा। कुहल का मतलब होता है पानी का एक छोटा मैनमेड नाला, और जहाँ मैं चल रहा हूँ इसके नीचे पाइप बिछाया हुआ है और पानी सीधे गांव तक पहुँच जाता है। आमतौर पर ये खुली होती हैं, लेकिन यहाँ लैंडस्लाइड्स वगैरह होते हैं तो इसे ढका हुआ है। कुछ देर रुककर मैं देखता रहा इस खूबसूरत से झरने और इस पल पल रंग बदलती वादी को। कभी बादल छंट जाएं तो सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है और दूसरे ही पल बादल फिर से इसे ढक लेते हैं। जाती बार मैं वहां नीचे वाले रास्ते से होकर गया था और अभी यहां ऊपर के रास्ते से वापस गांव की ओर जा रहा हूं। और सामने ये महिलाएं खेतों में से मटर तोड़ रही हैं। थोड़ी ही देर में मैं फिर से पहुंच गया सुराल भटोरी गांव में और यहां सामने ही ये मोनेस्ट्री दिखाई दी। यहां ये मोनेस्ट्री अभी नई ही बनी है और इसमें अभी काम चल ही रहा है। इसके पास ही ये पुरानी मोनेस्ट्री भी है और मंक्स ने यहाँ आने पर मेरा अभिनंदन किया और मुझे इन मोनेस्ट्रीज की बारीकियों से भी अवगत करवाया। यहाँ मुझे इन्होंने चाय नाश्ता भी करवाया और मुझे तो वैसे भी भूख लग रही थी और यहाँ रिफ्रेशमेंट लेकर भूख मिट गई। इसके बाद मैं इस नई मोनेस्ट्री में गया और यहाँ जो चित्रकारी की गई है वो तो लाजवाब है। फिर मैंने यहाँ से विदा ली और सुराल भटोरी बस स्टॉप की ओर चल पड़ा। ये है सुराल भटोरी गांव और यहीं तक सड़क बनी हुई है और HRTC बस भी यहीं तक ही आती है, लेकिन बस के आने में अभी करीब एक घंटा बाकी है तो
तो मैंने सोचा कि यहाँ बस का वेट करने की बजाय मैं पैदल ही थोड़ा आगे तक निकल लेता हूँ। यहाँ की पगडंडियों पर चलने का भी इतना मज़ा आता है कि पूछो मत। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सुराल को अभी मैं अधूरा ही छोड़कर जा रहा हूँ, मतलब ये घाटी एक दिन में पूरा होने वाली नहीं है। यहाँ तो बंदा हफ्ता भर भी रह ले तब भी उसका मन नहीं भरेगा, लेकिन ना तो मैं अपना सामान यहाँ लेकर आया था और ना ही इतना पता था कि यहाँ रहने का भी कोई ऑप्शन है, तो अब वापस जाना ही होगा। यहाँ आकर पता चला कि अब कुछ होमस्टे भी यहाँ पर खुल गए हैं, तो आप यहाँ पर आराम से रुक भी सकते हैं। यहाँ सड़क से जाने में तो टाइम लगता है, लेकिन अगर पगडंडियों से होते हुए शॉर्टकट लोगे तो बस या गाड़ी से पहले नीचे पहुँच जाओगे। चढ़ाई में तो शायद उतना जल्दी ना पहुँच पाओ, मगर वापसी में तो आराम से चल के जाओगे। मैं भी इन्हीं पगडंडियों से होता हुआ काफ़ी नीचे आ गया हूँ। फिर मुझे नीचे से आती हुई बस दिखाई पड़ गई। ये वही बस है जिसमें मैं सुबह यहाँ आया था और ये बस किलाड़ जाकर फिर से वापस यहाँ आ गई है। अभी बस ऊपर गांव तक जाकर आएगी, तो मैं इतने में पैदल ही और आगे चला जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पैदल चलने में बहुत मज़ा आ रहा है। ड्राइवर भाई इशारों में कह रहे हैं कि आ जाओ बस में ही, लेकिन मैंने कहा कि वापसी में बैठूंगा और बस आगे चली गई। अब मैं सड़क से होता हुआ ही आगे जा रहा हूँ, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहीं पगडंडी से जा रहा हूँ और उधर से बस निकल जाए। और मुझे यहाँ सुराल में वो छाता भी लौटाना था जो मैंने यहाँ सत्यप्रकाश जी के घर से लिया था। लवेश, और तुम्हारा? रंजय ठाकुर। ओके, क्या करते हो? पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? फर्स्ट क्लास में। और आप? सेकंड में, मतलब दूसरी में। कहाँ है स्कूल? अच्छा, उधर है। अभी छुट्टियां हैं? अभी छुट्टियां स्कूल से? छाता लौटाकर मैं तो सुराल से भी काफी नीचे तक आ गया हूँ और अब जाकर बस यहाँ पहुंची है। बस के ड्राइवर और कंडक्टर भाई कहते कि आप तो काफी नीचे तक आ गए, हमें लग रहा था कि आप वहीं तो नहीं छूट गए। ये सुराल से किलाड़ जाने वाली आखिरी बस है। इसके बाद जो बस शाम को किलाड़ से यहाँ आएगी वो रात को यहीं पर रुकेगी। अब बारिश थोड़ी थम गई है, लेकिन पहाड़ों पर बादल ठहर से गए हैं। इसके बाद वापस धरवास गांव से होती हुई हमारी बस नीचे किश्तवाड़ तांदी रोड पर पहुंच गई। ये रोड BRO के अधीन है और BRO ने इसे अपनी सबसे खतरनाक सड़कों में शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। किसी भी एरिया के डेवलप होने में वहाँ की कनेक्टिविटी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। रोड्स ऐसे हैं इसीलिए ये घाटी पर्यटन के क्षेत्र में कुछ खास पहचान नहीं बना पाई है, वरना इस घाटी की खूबसूरती में कुदरत ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। HRTC भी यहाँ के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अक्सर आपने सुना होगा कि सड़कें भाग्य की रेखाएँ होती हैं,
तो वहीं HRTC को भी हिमाचल प्रदेश की लाइफलाइन यानी जीवन रेखा कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे रोड्स हैं और यहाँ पर HRTC अपनी सेवा में लगातार जुटी रहती है। BRO के अधीन होने के बाद भी शायद ये रोड इसीलिए अभी तक ऐसा है क्योंकि ये किसी इंटरनेशनल बॉर्डर तक नहीं जाता। ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के अंदरूनी भागों को आपस में जोड़ता है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन अभी BRO धीरे धीरे इस रोड को पक्का कर रहा है। तो मैं करीब 4 बजे वापस किलाड़ पहुंच गया। चंबा किलाड़ बस भी अभी अभी यहां पर पहुंची है और आज दिन भर बारिश में मेरे कपड़े भी थोड़े गीले हो गए हैं और जूतों का हाल तो आप पूछिए ही मत, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपने रूम पर चला गया। तो दोस्तों, इस पार्ट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो सीरीज़ के अगले पार्ट में हम आपके साथ पांगी घाटी के बारे में कुछ और जानकारी शेयर करेंगे। एज अ टूरिस्ट यहाँ पर किस मौसम में आएँ, कैसे आएँ, कौन सा रूट लें, ये सारी जानकारी आपको अगले पार्ट में मिल जाएगी। साथ ही हम आपको यहाँ के नज़दीकी गांव करियोनी भी लेकर चलेंगे। तो जल्दी मिलते हैं आपसे इस सीरीज़ के अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी करते रहें। धन्यवाद। तो ये पहाड़ देखो आप, मत देखो, रहने दो।